लीबिया में समुद्र में तस्करों की एक नौक के पलट जाने से 90 लोगों के डूबने की आशंका है। नौक में ज्यादातर पाकिस्तानी प्रवासी थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी के अनुसार उससे जुड़ी एजेंसियों से खबर मिली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की प्रवक्ता ओलिविया हीडन ने कहा कि शुक्रवार सुबह हुए हादसे के बाद 10 शव बहते हुए लीबिया के जुवारा नगर के पास आ गए। इन शवों में से 8 शव पाकिस्तानियों के और 2 शव लीबियाई नागरिकों के माने जाते हैं। हीडन ने ट्यूनिशिया की राजधानी से फोन पर संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय में मौजूद पत्रकारों को बताया कि हादसे के बारे में शुरुआती संकेत ये हैं कि नौक असंतुलित हो गई। उन्होंने बताया कि इटली और यूरोप जाने के लिए लीबिया के जरिए भूमध्य सागर को पार करने की कोशिश करने वालों में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या अच्छी खासी होती है।